दिवाली के सुनहरे मौके पर कोल्हापुर बर्ड फार्म वालों ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है और कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा दिवाली 10, और ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द अपने ऑर्डर प्लेस करें और एक बार इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट दें। अब हम आ चुके हैं इनके जो मेन सेटअप है इनका, जिसके अंदर ये बर्ड के ऑल एक्सेसरीज सीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें से कुछ हम यानी डिटेल में पूरा नहीं देखेंगे, जो जो चीज़ें हैं आप शॉर्ट के अंदर में दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो के अंदर रिस्पांस अगर अच्छा मिला तो ऑल प्रोडक्ट आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा। सबसे पहले टॉयज़ दिखाऊँगा, टॉयज़ के अंदर भी अलग अलग वैरायटी है, जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर रेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग रेट जो आता है वो आपको बताऊंगा। जिसके अंदर ये बेसिक है, इसका प्राइस क्या आएगा सर? 150 रुपीज़। इससे कम रेट के अंदर भी मिलेंगे 50 रुपीज़। यानी 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा खुद का प्रोडक्शन भी है जो 200 रुपीज़ में आएगा, पूरा वुड के अंदर और बर्ड फ्रेंडली है पूरी तरह से। ये कोई भी बर्ड को हार्मफुल नहीं है या फिर कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होता इन टॉयज़ के अंदर, जो कि बर्ड के हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। इसके ज़रिए मतलब बर्ड भी आपका डिप्रेशन में वगैरह नहीं जाता। बहुत सारे हॉबिस्ट जो हैं अपने बर्ड के केजेस के अंदर ये लगाते हैं, जिससे कि बर्ड भी जो है फुल हैप्पी रहता है हमेशा। उसके बाद इस तरह के पॉट वगैरह आते हैं जो कि सीड्स के लिए वाटर के लिए आते हैं, जिसके अंदर हर एक के ऊपर रेट वगैरह लिखे हैं। आपको इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, डी शेप हो गए, स्क्वायर हो गए, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट में मिलेंगे। उसके बाद इस तरह के वाटर फीडर भी मिलेंगे, ये हैमस्टर के लिए यूज़ होता है, ये भी मिल जाएगा। इनके पास बहुत सारे वैरायटी हैं अलग अलग, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो भी मिल जाएंगे। सर इसके अंदर स्टार्टिंग रेट कहाँ से शुरू होता है, यानी कम से कम रेट क्या है? कम से कम रेट हमारा 20 रुपये है, जो डी कप आता है हमारा। इसके अंदर भी हमारे पास 2 से 3 मॉडल अवेलेबल होते हैं, जो जब अवेलेबल होगा हम तब अपडेट कर देते हैं। तो इसके अंदर 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये बर्ड्स के लिए टॉयज़ भी मिल जाएंगे, जो अफ्रीकन या फिर अलग अलग वैरायटी के बर्ड बहुत यानी काइक वगैरह उनको मिलते हैं। उसके बाद ये इस तरह के स्टील के भी बाउल मिल जाएंगे, जो कि बड़े वैरायटी के बर्ड्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे सन कनूर हो गए, अलग अलग बड़े वैरायटी के बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद उसी के अंदर एक न्यू आया है ये ट्रांसपेरेंट वाला, इसके अंदर भी आपको अलग अलग शेप के अंदर मिल जाएंगे। ये अनब्रेकेबल है, यानी सन कनूर वगैरह जो हैं ज़्यादातर च्यूइंग वगैरह करते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अब हम जो सेक्शन दिखाएंगे उसके अंदर बर्ड के मेडिसिन वगैरह हैं। उसके बाद हम इनके दूसरे सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर बर्ड के अलग अलग मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं। तो कुछ मेडिसिन के बारे में भी यूज़ यानी कौन कौन से वैरायटी हैं इनके पास और कौन कौन से कंपनियों के मिल जाएंगे वो भी देखेंगे। सर मेडिसिन के अंदर आपके पास कौन कौन से वैरायटी हैं वो थोड़ा आप दिखाइए डिटेल के अंदर। ज़्यादातर हमारे पास सप्लीमेंट्स है, और सप्लीमेंट्स में हमारे पास जो स्टार फार्म के सभी सप्लीमेंट्स होते हैं वो सभी हमारे पास इनहाउस सभी अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। उसके बाद जो नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं मल्टीविटामिन के लिए वाइमरल वेलबैक कंपनी का, वो भी अवेलेबल है। और उसके बाद आता है पेट्स लाइफ में भी हमारे पास 1 kg, 500 ग्राम और 250 ग्राम अवेलेबल होता है हर वक्त ज़्यादातर। और ये अभी नया आया हुआ है
मोरिंगा पाउडर जो अभी हम कल रिलीज करने वाले हैं अपने पेज पर, उसका प्राइसिंग और एवरीथिंग। यह अभी न्यू आइटम आया है मोरिंगा पाउडर जो कि बर्ड के ब्रीडिंग के अंदर बहुत काम आता है। उसके बाद ये स्प्रे है, केज गार्ड और बॉर्डर स्प्रे। केज गार्ड मतलब केज के नीचे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मारने के लिए, और जो चीटियाँ और फ्लाइज होते हैं उसके लिए ये स्प्रे अवेलेबल है। ये सभी स्टार फार्म के प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद में छोटे साइज़ में अपना हैंड फीडिंग फार्मूला अवेलेबल है 100 ग्राम के अंदर। उसके बाद प्रीमियम हैंड फीडिंग फार्मूला जो होते हैं वो हम लूज में भी पैकिंग करके देते हैं। जैसे कि अगर किसके पास एक ही चिक्स वगैरह होगा और उनको थोड़ा सप्लीमेंट अच्छा चाहिए हैंड फीडिंग के अंदर, तो आप वो ज़रूर ले सकते हो, जो कि बड़े बर्ड्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। उसके बाद एक ये इंटरनेशनल ब्रांड की भी मेडिसिन है, ये वर्सेलागा के म्यूटाविट, ओमनीविट, फर्टिविट, ये सबसे छोटे पैकेट में आता है जो हर कोई ले सकता है, अफोर्डेबल है। क्योंकि उनके बाकी के बड़े जो पैक्स होते हैं वो बड़ी एवेरी के लिए यूज़ होते हैं, तो आप छोटे या फिर बड़े कौन से भी ले सकते हो। उसके बाद ऑक्टिव्रिड कैल्शियम के लिए कैल्सी प्लस है, अपने पास A19 हैंड फीडिंग फार्मूला वगैरह भी अवेलेबल है। और नीचे लॉरी के लिए लॉरी फूड भी अवेलेबल है, रेक सॉइल अवेलेबल है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपको बर्ड के रिकॉर्डिंग जो भी वैरायटी वगैरह होते हैं वो आपको एक ही जगह पर पूरे मिल जाएंगे। और जुप्रीम के जो फ्रूट पैलेट्स आते हैं उनकी बड़ी बैग होती है, तो हम ऐसे लूज पैकेट भी उनके बनाकर सेल करते हैं। बहुत बार एक प्रॉब्लम आता है, यानी मेरे पास भी इवन आया था, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन पैकिंग उसका बड़ा रहने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनके पास एक ये सहूलत का काम अच्छा है कि वो लूज पैकिंग भी करते हैं। और लूज पैकिंग प्रॉपरली होता है हमारा, मशीन पैकिंग। और उसके बाद इंडिया में किसी के पास जितने हैंड फीडिंग के ऑप्शंस नहीं होंगे सिरिंज के, उतने सारे हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये हैंड फीडिंग की प्रोफेशनल सिरिंज है और उसके साथ नीडल है, तो ऐसे आप देख सकते हो कितनी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है इनके पास बहुत, जिसके अंदर ये मल्टी नीडल वाला ऑप्शन भी है, ये वाला है, आप हर तरह के बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस तरह का जो रबर का आता है वो वाला भी है, अलग अलग बहुत वैरायटी हैं जो कि आप स्मॉल वैरायटी से लेकर बड़े वैरायटी तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये स्पून भी है इनके पास जो कि हैंड फीडिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये सिरिंज वाला भी हैंड फीडिंग है जिसके अंदर सामने जो है स्पून है। उसके बाद इनके पास जो है बर्ड के रिंग वगैरह भी मिल जाते हैं, बहुत सारे हमारे भाई कमेंट वगैरह करते हैं। उसके बाद नाम वगैरह भी बना कर देते हैं, जैसे आपकी कोई भी आइवरी होगी उस आइवरी के अंदर वो बना देंगे। और ऑल वैरायटी के रिंग्स आपको मिल जाएंगे, जैसे फिंचेस से लेकर अफ्रीकन ग्रे मकाओ, इन वैरायटी के बर्ड्स के भी मिल जाएंगे। ये स्टेनलेस स्टील के रिंग्स है, कट रिंग्स है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे लेवल की। सिंगल रिंग भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ और कुछ सामान होना चाहिए, एक ही रिंग हम प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके बाद ये कटल फिश बोन भी इनके पास अवेलेबल होता है, जो कि हमारे बहुत सारे हॉबिस्ट को रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उनको नहीं मिलता, और बहुत सारी जगह जो है छोटे पीसेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो इनके पास ये कम से कम 1 फीट के साइज़ के अंदर अवेलेबल हैं, फुल साइज़ और फुल ड्राई कंडीशन के अंदर हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, यानी नॉर्मली गीला रख कर आगे पहुँचा देते हैं, उसकी वजह से वेट भी बढ़ जाता है, लेकिन इनके पास जो है फुल ड्राई होता है। मैं भी खुद इनके पास से ही परचेस करता हूँ ये वाले आइटम। और सर इसका भी मार्केट रेट क्या चालू है? ये अभी 600 रुपीज़ केजी है, और जब स्टॉक हमारे पास आता है तो उसके बाद इसको एक बार नॉर्मल पानी से वॉश किया जाता है, पूरी तरह से सन ड्राई किया जाता है, और उसके बाद ही हम सेल करते हैं, क्योंकि बर्ड्स को इसको कंज्यूम करना होता है। तो ये बर्ड के फुल हेल्थ का यानी ध्यान रखते हैं, जिससे कि बर्ड कोई भी बीमार ना पड़े, चाहे वो उनके सेटअप का हो या फिर बाहर के सेटअप का। तो एक प्रॉपर हॉबिस्ट हैं ये, उसकी वजह से इस तरह से ये मेंटेन रखते हैं तमाम चीज़ें। सर इसे क्या बोलते हैं? ये स्मैकर्स है, इकोनॉमिक स्मैकर्स, जैसे कि हम कभी कभी पार्टी कर लेते हैं बाहर जाकर, लेकिन बर्ड्स के लिए कुछ अलग दे नहीं पाते, तो उन्हें एज ए ट्रीट के तौर पर हम स्मैकर्स दे सकते हैं। उसमें कोकाटेल कॉर्नर के लिए ये आइटम है जो थोड़ा बड़ा सीट्स में आता है, और ये अपना बजट के लिए अवेलेबल है, ये भी हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल होता है स्टॉक में, जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने भी खुद ये पहली बार ही देखा है, क्योंकि ये कंसेप्ट अपने यहाँ कम ही है। और ये इम्पोर्टेड मिनरल ब्लॉक्स है, ये भी हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल होता है। उसके बाद इनके पास बर्ड्स के ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं,
जिसके अंदर आपको फिनसेस से लेकर हर एक वैरायटी के मिल जाएंगे और स्टैंडर्ड ब्रीडिंग साइज के अंदर ही आते हैं, तो कोई कस्टमाइज ना पूछे, जो भी है स्टैंडर्ड साइज जो रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बजट से लेकर सन कॉर्नर तक स्टॉक अवेलेबल होता है। आगे के लिए आप कस्टमाइजेशन के लिए बड़े बर्ड के लिए आप पूछ सकते हो फोन करके। अगर आपको कोई बल्क क्वांटिटी वगैरह देता है तो आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो इसके ऊपर? बल्क क्वांटिटी अगर आप परचेस करते हो तो हम खुद से ही डिस्काउंट लगा के उन्हें दे देते हैं। उसके बाद इनके पास केजेस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर ऑल साइज़ के फैंसी केजेस वगैरह भी मिल जाएंगे और ऑल वैरायटी ऑल साइज़ के अंदर मिलेंगे। उसी के साथ में इनके पास इस तरह के बर्ड के स्टैंड भी आते हैं केजेस के। ये स्टैंड भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, हमारे यहाँ से होम डिलीवरी हो जाएगा। और इसके बाद केजेस के लिए हमारे पास ट्रेस भी अवेलेबल है। सभी साइजेस में ट्रे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 1.5 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट, हर एक साइज में आपको ट्रेस भी मिल जाएंगे। बहुत बार हमारे केजेस के ट्रे वगैरह खराब हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर हमें कहीं पर भी नहीं मिलते ये एक्सेसरीज, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद वाइल्ड जो अपने बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये भी फीडर्स वगैरह पूरे अवेलेबल हैं, अलग अलग साइज के अंदर, शेप के अंदर। उसके बाद इनका मेन सेक्शन दिखाऊंगा मैं, जिसके अंदर सीड्स वगैरह भी मिलेंगे आपको सभी वैरायटी के। उसके बाद हम इनके जो सीड्स आते हैं उसके सेक्शन में आए हैं। तो सबसे पहले ये दिखा रहे हैं कोकाटेल का सीड मिक्स। इसके अंदर दो वैरायटी होते हैं, एक आता है प्रीमियम क्वालिटी, उसके बाद ये क्लासिक सिल्वर। इसके अंदर सीड्स की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और नॉर्मली थोड़ा रेशो वगैरह भी बढ़ जाता है अलग अलग सीड्स का। प्रीमियम के अंदर 30-35% तक कैनरी सीड्स अवेलेबल होते हैं और क्लासिक के अंदर नॉर्मल रेंज में सभी मिक्स होता है इंपोर्टेड सीड्स, वो उसके अंदर डिफरेंस है। और उसी के साथ हमारे पास बिग बर्ड्स के लिए भी सीड मिक्स अवेलेबल होता है, जिसके अंदर अखरोट, बादाम, ये सभी चीज़ें और बड़ा सनफ्लावर ये सब मिल जाता है। ये स्पेशली मकाऊ का है, ये स्पेशली जो मकाउस के लिए आते हैं सनफ्लावर सीड्स बिग साइज, जिसे क्राउन साइज भी बोलते हैं, वो भी मिल जाएंगे। और कुछ सीड्स जो हैं हमें लूज भी एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसके अंदर कैनरी हो गया अलग अलग वैरायटी के, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये स्पेशल कैनरी सीड्स हैं। उसके बाद आपको इनके पास ये रेड मिलेट भी मिल जाएंगे पूरे के पूरे इम्पोर्टेड क्वालिटी के अंदर। उसके बाद ये सभी वर्सेला का ब्रांड के ही आते हैं, कंपनी से ही आते हैं, यानी जो मेडिसिन हमने दिखाई वर्सेला ही, उसी कंपनी के मिल जाएंगे आपको ये सभी प्रोडक्ट। ये वाइट मिलेट हो गया, इस तरह के आपको जो अगर एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा इनके पास। और नॉर्मल वैरायटी से लेकर बड़े वैरायटी सभी बर्ड्स के सीड मिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये सन कनूर के लिए वगैरह यूज़ करते हैं वो वाला सीड मिक्स है, और सभी आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे, कोई भी डस्ट का वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर कोई भी आपको कचरा वगैरह नहीं दिखेगा इसमें, पूरे के पूरे स्पेशल क्लीन वाले हैं। उसके बाद इनके पास हैंड फीडिंग के लिए भी अवेलेबल होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स, जिसके अंदर इनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। अभी ये दो चिक्स बचे हैं शो बजीज के, और प्रोफेशनल हैं ये, यानी ब्रूडर का वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। और इनके पास मैंने बर्ड वगैरह भी देखे हैं, फुल हेल्दी और एक्टिव होते हैं। उसके बाद ये नेस्टिंग मटेरियल वगैरह भी मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर ये वुडन शेव है, इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड आएगी। उसके बाद ये अफ्रीकन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद बड़े बर्ड वैरायटी के लिए इस तरह के बड़े वैरायटी टॉयज़ भी मिल जाएंगे। उसके बाद ये बड़े वैरायटी के बर्ड्स के लिए भी नेस्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, जो अफ्रीकन ग्रे स्लेक्टस, उन सभी बर्ड्स के लिए नेस्टिंग मटेरियल यूज होता है और ये सभी इम्पोर्टेड है। उसके बाद ये नीचे वाला सर कौन सा है आइटम? ये ट्रू नेस्ट है, जिसके अंदर मिक्स वैरायटी आता है, जो अपना नेचुरल लीव्स वगैरह होता है उसका बना हुआ है। अच्छा, कॉम्बो कंपनी का आता है अपने पास। अच्छा अच्छा, और ये सभी बड़े बर्ड्स के वैरायटी के लिए यूज होता है ज़्यादातर। उसके बाद इस तरह के बड़े टॉयज़ वगैरह भी मिल जाएंगे इनके पास, जो कि बड़े सन कनूर हो गए, अफ्रीकन ग्रे हो गए, इस तरह के बर्ड्स के लिए टॉयज आते हैं। और इस तरह का चाइना केज भी मिल जाएगा बड़े साइज़ का, फुल साइज़ के अंदर। इसका साइज़ एक बार पूछ लेते हैं सर, इसका साइज़ क्या है? ये 2.5 लेंथ में है और हाइट में
4.5 फीट का रहेगा। यानी ऑल साइज के अंदर आपको बर्ड के केजेस वगैरह मिल जाएंगे, और कुछ बर्ड्स भी इनके पास सेल के लिए अभी अवेलेबल हैं अलग अलग वैरायटी के। और मेन वैरायटी आपको दिखाऊंगा जो कि स्पेशली सेल के लिए है, और मैं जानता हूं कि हमारे यहां पर ये सेलिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है मिलना, वो भी आपको बर्ड दिखाता हूं। उसके बाद मेन चीज़ के लिए जो हमने आए थे इस सेटअप के ऊपर वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यानी इनके पास ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ की पेयर है, इसके पूरे डिटेल्स भी हम जान लेंगे, और ये अवेलेबल है सेल के लिए, एक अच्छे बेस्ट प्राइस के अंदर मिल जाएंगे आपको। और बर्ड की आप क्वालिटी भी देख सकते हो, फेदर कंडीशन, एक अच्छा केज साइज इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इसके टेल में भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो हम इसके मेन जो है डिटेल्स जान लेते हैं। सर, आपके जो हाथ के ऊपर बैठा है ये कौन सा है? ये ब्लू एंड गोल्ड में नॉर्मल जो आता है वो वैरायटी है, और ये पीछे जो मेल अवेलेबल है ये ओरिजिनल बोलिवियन मकाऊ जो होता है उसका साइज है। आप इसका साइज में डिफरेंस देख सकते हैं। आप जितने भी बर्ड्स के अंदर देखोगे तो मेल से ज़्यादातर अच्छा साइज फीमेल का होता है, लेकिन इसके अंदर अलग है। यूथ साइज के अंदर ये वाला मेल अवेलेबल है, यानी फुल साइज है एकदम, फीमेल से भी अच्छा, और फुल हेल्दी है और एक्टिव है। सर, इनकी एज क्या है? अभी दोनों की सर, इसके एज के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए हमें। इन दोनों का एज तकरीबन 2 से 2.5 साल का है, दोनों भी डीएनए टेस्टेड मेल है और फीमेल है, दोनों का भी मतलब ब्लड लाइन डिफरेंट है, और दोनों सेल के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो कोई भी इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा आपको, जिसके अंदर आप कॉल करके इसका रेट वगैरह भी पूछ सकते हो। और एक पैर इनके पास सेल के लिए है जो कि अलग वैरायटी के अंदर है, उसका भी मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। उसके बाद और एक पैर इनके पास अवेलेबल है जो कि सेल के लिए है, जिसके अंदर ये बर्ड जो है वो अफ्रीकन ग्रे मिल जाएगा आपको। इसके भी डिटेल्स हम जान लेते हैं थोड़ा। सर, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें। बेसिकली ये अफ्रीकन ग्रे है, जिसके अंदर तीन वैरायटी आते हैं, एक तो होता है अफ्रीकन ग्रे कॉन्गो, दूसरा होता है टिमने अफ्रीकन ग्रे, और तीसरी वैरायटी मुझे याद नहीं आ रही है उसका नाम। ये हमारा जो स्पेशल अभी अवेलेबल है ये कॉन्गो वैरायटी का अवेलेबल है, दोनों भी मेल फीमेल डिफरेंट ब्लड लाइन के अवेलेबल है हमारे पास, दोनों भी टेम है अच्छे, अगर किसी को चाहिए तो ये सेल के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल है, और इनकी एज तकरीबन 9 से 10 मंथ्स की है। आप बर्ड की कंडीशन वगैरह भी देख सकते हो, फुल अच्छे कलरेशन के अंदर है, उसी के साथ में फुल मेंटेन है बर्ड, कोई भी किस्म का प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं है बर्ड को, फुल हेल्दी है, कुछ भी इसमें हुआ है। और ये मतलब टेम बर्ड है फुल, तो इनके फेदर जो है वो कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, फुल फेदर के अंदर अवेलेबल है, और दोनों ही बर्ड जो है फुल यानी अच्छे टेम है, बाइट वगैरह भी नहीं करते, और बर्ड की कंडीशन भी देख सकते हो। इसके अंदर ये साइड वाली कौन कौन से हैं? ये फीमेल है, ये वाली फीमेल है, और ये वाला मेल है, दोनों भी डिफरेंट ब्लड लाइन के अंदर आपको मिल जाएंगे, और एक अच्छे बेस्ट प्राइस के अंदर आपको ये प्रोवाइड करेंगे, और एक अच्छे बर्ड भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वगैरह जाननी होगी तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये डिटेल में फुल इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि बर्ड को लेने के बाद किस तरह से आप इसे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम इनके जो गोडाउन है जहाँ से ये डिस्पैच वगैरह करते हैं सीड्स वगैरह, और हमेशा इनके पास आपको क्वांटिटी के अंदर स्टॉक मिल जाएगा हर एक बर्ड वैरायटी का, जिसके अंदर ये अलग अलग सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट सीड मिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये कंगनी हो गया, और नया एक इन्हें सीड्स मंगाया है जो स्पेशली सीड मिक्स के अंदर ही आता है। सर, इसका नाम बताइए थोड़ा। ये हेम्प सीड है, या भी जो सेपरेट भी मंगाने वाले हैं, जैसे सीड मिक्स के अंदर अलग अलग वैरायटी के सीड्स होते हैं, तो वो तमाम सीड्स सेपरेट भी इनके पास मिल जाएंगे। उसके बाद इनके पास केजेस के अंदर भी बल्क में ऑर्डर होते हैं, और हमेशा क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। उसके बाद ये कैल्शियम ब्लॉक भी इनके पास अवेलेबल हैं जो कि प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आते हैं, मेड इन इंडिया है। और एक बात पूछनी थी सर,
इसके अंदर वो पुट्टी वगैरह मिक्स होती है या स्पेशली बर्ड्स के लिए आता है? ओनली स्पेशली फॉर बर्ड्स ये बनाकर हम मंगवाते हैं और ये आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। इसका MRP 120 है। आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं आपको इसका बेस्ट रेट दूंगा। अगर बल्क में चाहिए तो बल्क में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लोकली मार्केट से वगैरह ये चीज़ परचेस करते हैं तो बर्ड को डाइजेशन में वगैरह प्रॉब्लम आता है, बहुत बार बर्ड भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपके साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद और भी स्टॉक है इनके पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम इनके दूसरे गोडाउन के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर बर्ड के टॉयज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं। उसके बाद ये स्पेशली अफ्रीकन लोबर्ड्स के लिए आता है जिसके अंदर ज़ीरो वेस्टेज होता है और इस तरह की उसके अंदर एक नेट भी आती है जिससे कि बर्ड जो है दाना बाहर नहीं फेंकता। उसके बाद अलग अलग वैरायटी के टॉयज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं और ये आप मोरिंगा पाउडर का स्टॉक भी देख सकते हो। हमेशा आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर इनके पास माल मिल जाएगा, इस तरह के टॉयज़ वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि मैंने नहीं दिखाया था। इनके गोडाउन के अंदर बहुत सारे अलग अलग यूनिक आइटम अवेलेबल हैं, जिस तरह के ये हो गए, ये वाले हो गए, बहुत सारी यूनिक वैरायटी वगैरह आपको मिल जाएंगे इनके पास। उसके बाद ये बड़े बर्ड्स के लिए रूफ आती है इस तरह की, जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनसे ज़रूर मंगवाइए। और ट्रस्टेड ब्रांड है, यानी कोई भी किस्म का आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। तो आगे बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी मैं बनाने वाला हूँ इनके। अगर इस वीडियो के ऊपर एक अच्छा रिस्पांस आया तो फुल डिटेल के अंदर भी वीडियो मिल जाएगा इनका। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको रिक्वायरमेंट वगैरह होगी आप इन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, आपको एक अच्छा रिप्लाई मिलेगा। और जो भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर उनके पास वो अवेलेबल नहीं होगी तो आपको मंगाकर भी दे सकते हैं, चाहे वो बर्ड हो या फिर कोई भी सप्लीमेंट वगैरह भी।